सन 1977 जनता पार्टी उम्मीदवार हीरा लाल पटवारी असम के मंगलदोई लोकसभा चुनाव में विजेता बने, लेकिन अफसोस एक साल के भीतर ही उनका निधन हो गया। और जब चुनाव फिर से करना पड़ा, इस बार इतने मतदाता कैसे हैं? पिछले साल तो इससे कम था ना। सरकार के अनुसार असम की जनसंख्या 1971 में 146 लाख से बढ़कर 1981 में 199 लाख हो गई, 36.3% की वृद्धि। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने चुनाव टालने की मांग की, जब तक कि 1961 के बाद असम में आए हुए लोगों को निकाला नहीं जाता और मतदाता सूची में सुधार नहीं होता। विलोपन नहीं तो चुनाव नहीं। चिंतित कि उनकी संस्कृति गायब हो सकती है, अखिल असम गण संग्राम परिषद ने मांग की, असम के असली लोगों के लिए संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय किए जाएं। हमेशा से असम में रहने वाले भारतीय बंगालियों की अगुवाई पर भी एतराज करते आए हैं। 1960 से 61 में उन्होंने बराक और ब्रह्मपुत्र घाटियों में बंगालियों पर हमला किया था, बोंगल खेड़ा या बंगालियों से छुटकारा आंदोलन में। फिर 1972 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने खासकर बंगाली छात्रों को निशाना बनाया, आज से हम कक्षाओं में सिर्फ असमिया भाषा में पढ़ाएंगे। जवाब में 1980 में अप्रवासी छात्रों ने बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान दोनों को शामिल कर ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन का गठन किया, और इस टकराव का नतीजा था हिंसा। फरवरी 1983 में एक आदिवासी समूह लालुंग उर्फ तीवा असमियों के साथ नेली के गांव पर भाले, तलवार, लाठी और बंदूकों के साथ हमला किया, जहां लगभग 2000 बंगाली मुस्लिम महिलाएं और बच्चों की मौतें हुई। हिंसा बंद हुई 1985 के स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले, जब तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जहां ये तय किया गया, पहला, जो लोग 1951 और 1961 के बीच असम आए, उन्हें मतदान के अधिकार सहित पूर्ण नागरिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, 24 मार्च 1971 की आधी रात के बाद आने वालों को अपने देश वापस भेजा जाना चाहिए। तीसरा, 1961 और 1971 सालों के बीच आने वाले लोग नागरिक बन सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार 10 सालों तक नहीं दिया जाएगा। हर अरसे का एक अलग इतिहास रहा है। 1950 में करीबन 10 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने सीमाओं को पार किया। इसे सीमित करने के लिए संसद ने अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950 बनाया, और एक साल बाद असम के नागरिकों की रजिस्ट्री बनाने का निर्णय लिया, NRC, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन ऑफ असम। लेकिन इसे उस समय लागू करना मुश्किल था, क्योंकि अक्टूबर 1952 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच पासपोर्ट और वीजा लागू किया गया। 5 साल बाद 1957 में ही निर्धारित किया गया था कि विदेशी और पाकिस्तानी नागरिक कौन है, विदेशी अधिनियम 1946 में संशोधन करके। बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध 25 मार्च 1971 की रात में शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 9 महीनों बाद ही पूर्वी पाकिस्तान एक नया और अलग देश बना, ताकि बांग्लादेशी शरणार्थी भारतीय नागरिक ना बन सके। 24 मार्च 1971 की रात चुनी गई असम के नागरिकों की पहचान करने के लिए। हालांकि असम समझौता सिर्फ कागजी रहा। 1997 के चुनाव आयोग ने असम की मतदाता सूचियों में 2.3 लाख नामों के आगे डी यानी कि 10 शब्द लिख दिया, जहां डी का मतलब संदिग्ध होता था, अंग्रेजी में डाउटफुल। फिर 2005 में असम की तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार, राष्ट्रीय सरकार और AASU के बीच एक और समझौता हुआ। सब एक ही चीज चाहते थे, NRC अपडेट करें, लेकिन माइनॉरिटी स्टूडेंट संघ ने इसे नकार दिया, और आखिरकार 2014 में सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। 1951 NRC या 24 मार्च 1971 की आधी रात तक किसी भी मतदाता सूची में शामिल होने वाले व्यक्तियों और वंशजों के नाम पर NRC में दर्ज किए जाएंगे। जुलाई 2018 की ड्राफ्ट NRC में 290 लाख व्यक्ति शामिल किए गए, पर 40 लाख को इनकार कर दिया गया। 2 लाख लोगों के शामिल होने के खिलाफ एतराज भी दर्ज किया गया। 6.6 करोड़ दस्तावेजों पर 3 तरह की जांच प्रक्रियाएं की गई। घरों और ऑफिस पर कुल मिलाकर 68 लाख दौरे हुए, जिसके बाद रक्त रिश्तेदारों को निर्धारित करने के लिए हर परिवार की वंश वृक्ष मिलाई गई। नामों को शामिल तब किया गया जब सभी 3 के परिणाम सकारात्मक पाए गए।
ये प्रक्रिया को मुमकिन करने के लिए NRC 1951 के पुराने दस्तावेजों के 6.26 लाख पृष्ठों को स्कैन किया गया। उन्हें यूनिक लेगेसी डेटा कोड ID सौंपा गया और 201 लाख रिकॉर्ड से जोड़ा गया। डेटा को असमिया, अंग्रेजी और बंगाली में 24 लाख अलग अलग शब्दों के साथ खोजने योग्य बनाया गया। शायद ये दुनिया का सबसे व्यापक नागरिक अभ्यास रहा है। हालांकि 5 दस्तावेज सबसे जाली पाए गए, जैसे कि ये 1951 का NRC प्रमाण पत्र। ड्राफ्ट NRC में गैर शामिल 40 लाख लोगों में से 36.2 लाख ने राज्य भर के 1,436 केंद्रों में फरियाद दर्ज की, जिसकी प्रक्रिया 31 जुलाई 2019 तक पूरी होगी। दुर्भाग्य से राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला का NRC में शामिल करने के प्रति रवैया नकारात्मक रहा। कोई असली नागरिक बाहर रह जाए तो ठीक है, लेकिन कोई गैर नागरिक शामिल नहीं होना चाहिए। इस रवैये को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने डांट फटकार लगाई। यह आपकी ओर से गलत नजरिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि बंगाली मुसलमान, जिसे अक्सर बांग्लादेशी अप्रवासी के रूप से देखा जाता है, दूसरों की तुलना में कुछ ज्यादा ही जांच के दायरे में देखे गए। ऐसा ही एक मामला 52 साल के मोहम्मद सनाउल्लाह का है, जो 30 साल तक भारत की सेवा में कारगिल युद्ध में लड़े थे। कप्तान का दर्जा पाने के बाद जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने असम पुलिस में नौकरी शुरू की। अब उन्हें गैर कानूनी नागरिक घोषित किया गया और गोलपारा अवैध प्रवासियों के लिए एक निरोध केंद्र में बंद किया गया। लेकिन कई हिंदुओं ने भी खुद को ड्राफ्ट सूची से बाहर पाया। बांग्लादेश के मयमसिंह जिले के रत्नादास जैसे लगभग 10,000 लोग, जो 1963 में भारत आए थे लेकिन अशांति के कारण 20 साल के लिए त्रिपुरा चले गए, को ये बताया गया कि उनके होम माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो 1964 में गोलपारा के उपायुक्त द्वारा दिए गए हैं, अस्वीकार्य है। पीढ़ियों से असम में रहने वाले गोरखा ने भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को मुनासिब तरीके से देखा। गोरखाओं से क्या एतराज है आपको? वे राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है, उन्हें NRC में शामिल करें। अब समस्या ये है कि उन 10 से 30 लाख लोगों का क्या होगा जो अंतिम सूची में खुद को नहीं बना सके? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा, निर्वासित किया जाएगा? कोई साफ जवाब नहीं है। निर्वासन मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश आधिकारिक तौर से आउट माइग्रेशन को मान्यता नहीं देता। ये आपके नागरिक हैं? नहीं, वे हमेशा से आपके हैं। फिर क्या, उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा जाए? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय करदाताओं को 25 लाख शरणार्थियों की देखभाल करने के लिए कितना खर्च उठाना होगा, वो भी हमेशा के लिए? एक और उपाय ये है कि उन्हें पूरी तरह से नागरिकता नहीं दी जाए, यानी मतदान का हक ना दें। लेकिन मानव अधिकार कार्यकर्ता संजय हजारिका के मुताबिक उनके बच्चों का क्या, वो तो भारत में पैदा होंगे, तो क्या वे भारतीय नागरिक बन सकेंगे? नागरिकता अधिनियम प्रस्तावित संशोधन द्वारा गैर मुस्लिमों के अलावा जो कभी अखंड भारत में रहते थे, भारतीय नागरिक बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे 1971 के बाद भी भारत में प्रवेश किए हों तब भी। एक हाथ से खारिज करना और एक हाथ से लेने का नतीजा ये होगा कि युवा आसानी से अलगाववादी और कट्टरपंथी की ओर बहक सकते हैं। और डर तो ये है कि कल उत्तर पूर्व में एक और कश्मीर न बन जाए। कश्मीर पर देखे बिस्बो का ये वीडियो। मसले को हमेशा के लिए सुलझाने का एक ही तरीका है, MNST योजना, और गैर कानूनियों को एक साथ रखने की बजाय उन राज्यों में भेज देना जहां लोगों की कमी है। भारत के भविष्य की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जैसा ही एक मजबूत और दूरदर्शिता रखने वाला नेता ही ये महत्वपूर्ण मगर जरूरी निर्णय ले सकता है। बिस्बो की शायरी। NRC कानून में कितने भरे हुए है पेंच, कौन है अपना कौन बाहर का, कैसे होगा भेद, शरणार्थी बनते जाते हैं हर दिन देश पे भार, कोई कड़ा कानून बने जो कर दे नैया पार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।